नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2024 के लेटेस्ट मैच के बारे में, जिसमें आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुई टक्कर। बट पहले, अगर आप नए हैं यहाँ तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप कभी भी क्रिकेट के अपडेट्स मिस ना करें। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं विराट कोहली के लाजवाब परफॉर्मेंस के बारे में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। Can you believe he scored a whopping 113 runs? But hold on a second, it's not just about Kohli's century, it's about the intense battle between Royal Challengers Bangalore and Rajasthan Royals. और अब देखते हैं हमारे पाकिस्तानी दोस्तों का क्या कहना है इस एपिक शोडाउन के बारे में। I have heard they are just as passionate about cricket as we are. So मैं वेट नहीं कर सकता उनका रिएक्शन कोहली's मास्टर क्लास के ऊपर। स्ट्रीम से भी आई, अच्छा उन्होंने भी खेला, अच्छा इन्होंने भी खेला, लेकिन जीता एक हारा एक। आज के मैच की अगर बात करें, आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का ये मैच था। विराट कोहली, जिनको किंग कहा जाता है क्रिकेट का, उनके बल्ले से जब 100 आता है ना, तो पूरी दुनिया के अंदर शशके होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर आपने देखा हो पिछले 2 साल की हिस्ट्री निकाले, जब जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारा है ना, जब जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारा है, मैंने इस प्लेटफॉर्म से विराट कोहली की सेंचुरी को सेलिब्रेट किया, विराट कोहली की सेंचुरी को इंजॉय किया, विराट कोहली की सेंचुरी को हाईलाइट किया। आज आपने देखा होगा विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई और मैंने एक वीडियो भी नहीं डाला, मैंने एक इतना सा ट्वीट भी नहीं किया, मैंने एक पोस्ट भी नहीं डाली उस 37 का। विराट कोहली स्लो नहीं खेला, विराट कोहली स्लो नहीं खेला, विराट कोहली ने सही खेला। डिफरेंस जो था ना असल इस मैच का जो डिफरेंस था, वो था संजू सैमसन की इनिंग और फैफ डु प्लेसी की इनिंग। एक बंदा 33 बॉलों के ऊपर 44 कर रहा है और एक बंदा 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, ये था डिफरेंस। अकल के अन्नो गौर से देखा करो मैच को भाई, हर कोई लगाओ मैं देख रहा हूँ कोहली ने स्लो खेला, कोहली सेंचुरी अपने लिए खेला, टीम के लिए नहीं खेला। मैं ये रोकना चाहता हूँ यहाँ पे, इस भाई का जो रिएक्शन है और जो स्टेटमेंट्स है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि भाई को क्रिकेट का नॉलेज बहुत है। सो इस वजह से उन्होंने जो एनालिसिस किया है, मेरा एनालिसिस भी सेम था, मैं सिर्फ रिएक्ट करने आया था यहाँ पे, मैं यूजुअली कुछ कमेंट नहीं करता, लेकिन ये भाई ने आज जो कमेंट किया है इस एनालिसिस पे, वो कमेंडेबल है। विराट कोहली के लिए बहुत बुरा लग रहा है, एज अ विराट कोहली फैन मेरे लिए आई थिंक इससे बुरा दिन हो नहीं सकता यार। मेरा किंग हर बार रन करता है, वो अकेला कब तक रन करता रहेगा यार, कब तक वो रन करता रहेगा। आज फिर उसने सेंचुरी स्कोर की है, आज फिर बॉलिंग ने वही रगड़ा लगवा दिया, आज फिर बॉलिंग ने पेश करवा दिया। देखो ये बात मैं बड़ी बार कह चुका हूं, अगर आईपीएल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे होता ना, ट्रॉफीज मिलती, तो आज विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा ट्रॉफीज होती। बहुत बड़ा फैन हूं विराट कोहली का और मुझे इतना ज्यादा तप चढ़ रही है ना, इससे मेरा दिल कर रहा है मैं पकड़ के इनका घंटा बजा दूं आरसीबी वालों का। विराट कोहली नहीं डिजर्व करता यार आरसीबी में, विराट कोहली नहीं डिजर्व करता, सॉरी टू से। लेकिन आए हैं तो उसी दिन आए हैं जिस दिन विराट कोहली का भी 100 आया है और अपनी टीम को जितवाया है, अपने पूरी दुनिया का नाम गिनवा दिए। कोहली को आपने नाम ही नहीं डाला बीच में, ये सारे कोहली से। कोहली का नाम यार, कोहली इज द मैच चेंजर, कोहली इज नॉट अ पिंच हिटर फॉर हेवन सेक्स, स्काई इज अ पिंच हिटर, इंक्लूडिंग द सेंटर, रसल इज अ पिंच हिटर, कोहली इज नॉट अ। दोनों ने खास करके बल्क ऑफ द स्कोरिंग, इनफैक्ट ऑल ऑफ द स्कोरिंग इन दोनों ने की है। 100 तो बटलर ने कर दिया है और 69 वो दूसरे ने, तो बाकी पीछे क्या रह गया, जो थोड़े से रह गए थे। तो ये होता है इंपैक्ट एंड वाले की भी अगर बात करें, 6 गेंदों पे 11, तो ये वो भी करके गया एडमायर, ना कि 6 गेंदों पे 5 जो ग्रीन साहब करके गए हैं। तो बहुत ही शानदार और कैलकुलेटेड चेस किया, हैट्स ऑफ टू राजस्थान रॉयल्स। पहला विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन उसके बाद भी रुक के देखा ही नहीं भाई, देखा ही नहीं। और रन रेट का जो प्रेशर, वो जो आखिरी पावर प्ले का जो ओवर था, उसमें जो रन्स बटोर लिए ठीक ठाक, तो फिर 20 रन्स का जो ओवर आया उसके बाद तो मुड़के ही नहीं देखा। रिक्वायर्ड रन रेट नीचे होता गया और जो करंट रन रेट है वो ऊपर का ऊपर और ऊपर चलता गया।
तो एंड पे फिर आपने देखा आखिरी गेंद पे छक्का मार के अपना 100 पूरा किया बटलर ने। एक रन ही चाहिए था मैच जीतने के लिए, तो वहां से जो छक्का लगा है तो सेंचुरी भी आ गई। डिजर्व भी करता था क्योंकि बहुत ही अच्छा खेला है और बड़े ही दिनों से बहुत ही बंजरपन था, बड़ा सूखा सूखा सा था, कोई रन भी नहीं आ रहे थे बटलर के, लेकिन आए हैं तो उसी दिन आए जिस दिन विराट कोहली का भी 100 आया है और अपनी टीम को जितवाया है जनाब बटलर जी ने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली है तो यहाँ पे 8 पार ही इन्होंने आज किया है, 17-18 रन आपसे। खैर वो जो रन कम किए हैं तो फिर वो कॉस्ट भी किया है। इनकी जिस तरह की बॉलिंग है इनको हर मैच में 15-20 रन एट पार के ऊपर ही डालने चाहिए, तब जाके शायद कोई बात बने। तो जी मोहसिन अली साहब एट द एंड ऑफ द डे क्वाइट कंफर्टेबल चेज यू कैन से, और बहुत लाजवाब दोनों बारियां, इसका 100 आया और वो भी 69 बहुत बेहतरीन करके गया। सब देखे ना, अभी आपने खुलासा खुद कर दिया, 58 बॉलों में 100 है, ओके फाइन, वो 67 बॉलों में 100 था। इधर संजू सैमसन के हजूरे वाला 69 है 42 बॉल में, उधर किसके हैं सेंचुरी? आप कह ले कि आई है 72 बॉलों पे, दूसरी तरफ जो सेंचुरी आई है वो आई है 52 बॉलों पे, जिसने बहुत ही बड़ा जो है वो इंपैक्ट क्रिएट कर दिया, और उस इंपैक्ट की वजह से राजस्थान रॉयल्स जो है, मतलब कहने का मकसद ये है कि आरसीबी के अंदर विराट कोहली रन्स भी करे सारा कुछ करे, बट आरसीबी की किस्मत ऐसी है कि वो लाइन के पार नहीं जा पाते हैं। क्या वजह दाऊद साहब ये आरसीबी इतनी बदकिस्मत टीम है? देखो आज के अगर आज मैच में बात करो, 113 रन कोहली ने जरूर बनाए, लेकिन उसके बाद उनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि आप अगर आरसीबी की दो बातें हैं इसमें विराट कोहली की, एक तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आरसीबी के कैंप में क्रिस कैमरन ग्रीन है, ग्लेन मैक्सवेल है, फाइव प्लसेस है, और तीनों जेंट ओवरसीज खिलाड़ी हैं, तीनों की परफॉर्मेंसेस क्या है। तो दोस्तों ये थी हमारा आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये मैच और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।